तो या आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो उसके बारे में बताना ठीक है एंड या, या फिर या फिर आई वुड से लेटेस्ट प्रोजेक्ट या फिर आप जिस प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंट हो ठीक है व्हिचवर प्रोजेक्ट यू आर कॉन्फिडेंट वो प्रोजेक्ट बता सकते हो ठीक है फोर से तो बोलना है फोर से कम बोलना इस

लिंक है एक गूगल फॉर्म का लिंक है वहाँ पे जा करके के आप अपने फॉर्म भर सकते हो जो भी क्वेश्चन आप चाहते हो मैं आंसर करूँ उन सब क्वेश्चन लिख सकते हो फिर मैं उस क्वेश्चन को लूंगा एंड फिर मैं डिटेल में आंसर करूँगा आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉग्निजेंट कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन को ठीक है अभी तो मेरे पास खाली इंटरव्यू क्वेश्चन खाली राउंड वन के हैं मैंने शायद दो तीन राउंड दिए थे मुझे याद नहीं है खास जितने मुझे याद हैं एंड मेरे दोस्तों से जितना ले पाया उतने मैंने रखे हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कॉग्निजेंट के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स के साथ फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इंट्रोड्यूस योर ठीक है कुछ भी हो जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर क्वेश्चन अगर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो चाहिए इसके बारे में बनाऊंगा अलग से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मैंने बहुत एक या दो साल पहले बनाया था मैं फिर से एक और वीडियो स्पेसिफिकली डिटेल टेस्टिंग भी है टेस्टिंग भी डेटा टेस्टिंग के लिए बना दूंगा स्पेसिफिक वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ठीक है मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनाऊंगा ही बट एक हाई लेवल में क्या आंसर देना चाहिए वो मैं बता देता हूँ ठीक है टोटल एक्सपीरियंस बताना है एंड ईटिल टेस्टिंग बिग डेटा टेस्टिंग में कितना एक्सपीरियंस वो चीज़ बताना है ठीक है आप कितना भी हो तीन साल से लेके बारह साल या जो भी है ठीक है वो एक्सपीरियंस जो है नंबर में बताना है एंड राउंड ऑफ कर दो यार राउंड ऑफ टू अपर नंबर ऐसे थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट सिक्स ऐसे सब बताओ ठीक है मेक इट थ्री पॉइंट फाइव ऐसा आराम से ठीक है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो है जिसमें आपने काम किए हैं जो भी ई टूल्स हैं जो भी डेटा हैं उनको मैंशन करिए फिर जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है ठीक है उसको हाई लेवल में समझाना ऐसी डिटेल में घुस नहीं जाना कि अपने ई टी प्रोजेक्ट समझाने लग गए ठीक है वेरी लिटिल वो प्रोजेक्ट क्या है करंट में क्या काम कर रहा हूँ कौन सा टूल्स में काम कर रहा हूँ एंड दो से तीन इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्स भी जैसे ई टी एल टेस्टर में टेस्ट केस लिखता हूँ एंड टेस्ट प्लान बनाता हूँ ऐसे छोटे 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 ठीक है छोटे मोटे डिटेल्स बस इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है स्पेसिफिक डिटेल्स को ठीक है एंड किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है एंड इतनी स्पेसिफिक चीज़ है तो प्लीज आप मैंशन कर लेना कॉमेंट में मैं पक्का कोशिश करूंगा आंसर करने की ठीक है ठीक है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये पूरा स्टार मार्क कर लो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो भी आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हो उसके बारे में बताना है ठीक है एंड या फिर या फिर आई वुड से द लेटेस्ट प्रोजेक्ट या फिर आप जिस प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंट हो ठीक है विच एवर प्रोजेक्ट यूर कॉन्फिडेंट वो प्रोजेक्ट बता सकते हो ठीक है so, तो जरूर लेटेस्ट ले मोस्टली लेटेस्ट बताना है एंड उसी में ज्यादातर कॉन्फिडेंट होते हैं जिसमें काम कर रहे हैं बट अगर लेटेस्ट प्रोजेक्ट एक या दो महीने हुआ है एंड किसी इससे प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने तीन चार साल से काम किया आप बोलिए कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट में मैं दो महीना ही हुआ है विच आई एम दो तो महीना इज टू लेस टू जज सो दैट्स वाई मैं अपने इसके पहले वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ तो वो थोड़ा यू कैन ओपनली टेल आउट कि हाँ इसके बारे में बताने वाला हूँ सो so, ठीक है एंड गो फॉरवर्ड विथ एक्सप्लेनिंग द आर्किटेक्चर कैसे डेटा फ्लो हो रहा है व्हाट इज द सोर्स वाट इज द स्टीजिंग लेयर व्हाट इज द टारगेट वो डिटेल में बताइए पहले एक्सप्लेन करिए ठीक है फिर उसमें आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या आप काम करते हैं वहां पर आप टेस्ट प्लान बना रहे हो लीड हो या फिर बस आप टेस्टिंग करते हो टेस्ट केस लिखते हो जीरा में करते हो एग्जीक्यूट करते हो ठीक है क्वेरीज लिखते हो ये सब चीज थोड़ा डिटेल में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पिछले क्वेश्चन में जैसे टेल मी अबाउट यूर सेल्फ ना वहाँ डिटेल में नहीं था बट यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आप जाओगे एंड यू विल आंसर द क्वेश्चन ठीक है थोड़ा डिटेल में जाकर के बताओगे ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है ना गाइस तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछना एंड अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी uh, का मैं कवर uh, करूँ तो प्लीज़ या तो कमेंट में बोलना अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक गूगल फॉर्म में जाना अपना अपना डिटेल्स भर के जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स हैं मतलब जो भी क्वेश्चन हैं एटलीस्ट कम से कम पाँच से ऊपर क्वेश्चन होने चाहिए तो मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हाउ डू यू रेट अप योर सेल्फ इन एस्केल ठीक है हर समय देखो फोर रेटिंग तो देनी है फाइव में से या फिर एट रेटिंग देनी है टेन में से अगर आपका आप सोच रहे हो कि दैट इज़ अ टू मच तो आप प्लीज़ एसक्यूएल प्रैक्टिस करिए डिस्क्रिप्शन में, में मेरा एसक्यूएल का सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी चेक करिए या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके चेक कर लीजिए ठीक है कुछ भी करिए बट आप प्लीज़ एसक्यूएल प्रैक्टिस करिए जैसे आप कॉन्फिडेंटली फोर बोल पाए ठीक है एंड यू कैन ओपनली टेल कि नॉट एज अ डेवलपर बट एज अ टेस्टर आई फील आई एम आई एम गुड इनफ टू रेट सेल्फ एज से ठीक है फोर से नीचे नहीं आया मतलब थ्री पॉइंट फाइव ऐसा कुछ भी ओके okay है बट आई फील फोर तो बोलना ही है फोर से कम बोलना इस अपने पाओं पे कुल्हाड़ी मारना टाइप्स हो जाएगा ठीक है तो so फोर तो बोलना ही है मिनिमम फोर बोलना ही है उस लेवल का प्रैक्टिस करना ही है ठीक है हाउ डू यू रन यर्क फ्लोज वर्क फ्लोज हो सकता है या फिर जॉब्स बोल सकते हैं ये लोग या पाइपलाइन बोल सकते हैं ठीक है ये जो वर्क फ्लो है इसका कोई ऑल्टरनेटिव ये लोग खुद भी बोल सकते हैं ठीक है तो बट जस्ट बी केयरफुल ठीक है यू कैन टेक एनी इटियल टूल फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फॉर्मेटिक का बोल देता हूँ ठीक है इनफॉर्मेटिक क्या है वर्क फ्लो मैनेजर में आप जाके जॉब रन कर सकते हो या वर्क फ्रो मॉनिटर में बट वर्क फ्रो मॉनिटर में कब रन करोगे जब आपका जॉब एक बार रन हो चुका है एंड इट इज ऑलरेडी इन हिस्ट्री हिस्ट्री में होता है तो वापस से री रन जॉब कर सकते हैं या फिर अगर फ्रेश नया जॉब है तो आप वर्क फ्लो मैनेजर से जाके रन करोगे तो ये चीज आपको बतानी है ठीक है ऐसा डिटेल में यहाँ जाके इतना बहुत डिटेल में नहीं बट हाँ इन ओवरऑल यू हैव टू टेल दैट दिस इज़ वेयर आई विल गो एंड रन द जॉब ओके okay, एंड उसी का रिलेटिव क्वेश्चन नेक्स्ट आ भी सकता है ठीक है एंड अजोर में है ए डी एफ जैसी अजोर डेटा फैक्ट्री वहां पे जाके मॉनिटर्स में जाओगे पाइपलाइन ट्रिगर कर सकते हो या फिर पाइपलाइन री रन या रन हो सकता है या डिबक जाकर के रन हो सकता है तो ऐसे कई दो तीन तरह है कोई एक या दो तरह बोलोगे जैसा रेगुलरली करते हो अगर आपने उस पर काम नहीं किया क्या है क्या कहते हैं मत बोलो या फिर देख लो पहले कि एक्चुअली में होता कैसे है उसके बाद ही बोलना ठीक है ठीक है एंड ये एंड इवन आई डेटा स्टेज में मैंने काम किया है तो आई बी डेटा स्टेज में भी कुछ इसी तरह का जैसे इन्फॉर्मेटिका है उसी तरह का ही होता है इतना डिफरेंट नहीं होता है बट मेरे को जितना लगता है वर्क फ्रॉम मॉनिटर वर्क फ्रो डिज़ाइनर सेम टाइप्स का होता है बट आई बी एम इज लिटल थोड़ा सा कॉस्टली होता है शायद इसलिए बट इन्फॉर्मेटिका इज वेल नोन वेट डू यू फाइंड लॉक्स देखा मैंने जब बोला ना आप जॉब रन करोगे जॉब रन कैसे करोगे फिर वहाँ पर जा करके नेक्स्ट आप क्या कहते हैं जॉब रन कर दिया जॉब रन करने के बाद क्या कहता तो है लॉग्स का ढूंढोगे ठीक है का क्या है वर्क फ्लो मॉनिटर में जा करके जो भी आपका जॉब है कंप्लीट होने के बाद राइट क्लिक करके लॉग्स देख सकते रौ, वाइल हो या फिर वाइल्ड रनिंग हो आई कैन यू कैन सी एक दो साल पहले काम किया था मेरे को याद आ नहीं रहा तो आप देख लेना कहाँ पे आप लॉग्स रन कर सकते हो जो भी आप टूल यूज कर रहे हो वहाँ पे चेक कर लो उसके बारे में एंड जस्ट स्टडी करके नोट्स में भी लिख लो आपके ठीक है ये क्वेश्चन आने से पहले गलती करने से पहले आप ये क्वेश्चन के नोट्स बना लो तो बेटर है ठीक है नेक्स्ट हाउ डू यू प्रोसीड विथ defects? ठीक है अभी इसका क्वेश्चन ये लाइफ मतलब साइकिल समझ लेना ठीक है आगे डिफेक्ट लाइफ साइकिल है क्वेश्चन पूछे गए हैं बट यहाँ पे मेन चीज है हाउ डू यू प्रोसीड विथ डिफेक्ट्स ठीक है मतलब इनका क्वेश्चन है आपने एक डिफेक्ट देखा अब उस डिफेक्ट को देखने के बाद क्या करोगे ठीक है क्वेश्चन आपने डिफेक्ट देख लिया उसके बाद क्या करोगे तो आई टू रेज अ बग और अ डिफेक्ट ठीक है तो बग रेस करोगे कहाँ पे जाके जीरा में कहाँ जाओगे ठीक है जीरा में कहाँ जा करके बग रेस करोगे ठीक है अपने प्रोजेक्ट में जा करके बग रेस करोगे फिर वहां पे जो भी डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिखोगे व्हाट इज़ द बग अबाउट उसका टाइटल दोगे ठीक है उसका टाइटल है वो दोगे इसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन वो भी दोगे ठीक है उसके बाद जो एविडेंसेस है एक स्क्रीन लगाओगे अगर आपने कोई क्वेरी रन की है तो उस क्वेरी क्वेरी का स्क्रीन भी लगा देना या फिर क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर देना एंड जो क्वेरी का रिजल्ट है सपोज एक डुप्लीकेट है ठीक है मतलब उस टेबल में आपको डुप्लीकेट मिला तो अपने डुप्लीकेट का क्वेरी जो है वो पेस्ट कर देना सो so दैट पता भी चले कि आप आ, सही कॉलम पे लगा रहे हो तो इसलिए डुप्लीकेट क्वेरी डुप्लीकेट क्वेरी का क्वेरी भी पेस्ट कर देना एंड जो एविडेंस है आप स्क्रीनशॉट जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का भी स्क्रीनशॉट डाल देना किसी किसी कंपनी में और भी स्पेसिफिक हो सकते हैं कि, कि किस डेट में किस टाइम पर रन किया है तो मे बी जो सिस्टम का टाइम होता है उसके साथ स्क्रीन लेना पड़े कभी कभी हो जाता है यार ऐसे मतलब कोई कोई प्रोजेक्ट में थोड़ा अंदर घुसते हैं वो लोग तो इसीलिए होता है तो दैट इज़ हाउ लाइफ इज तो आप देख लेना अपने प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं तो उस हिसाब से अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसा डिफेक्ट दि लाइफ साइकिल में मतलब आप डिफेक्ट्स में स्क्रीन ही नहीं डालते हो तो बट जब इंटरव्यू देगा तब ऐसा बोल देना कि यस वी पुट स्क्रीन शॉट वी पुट द क्वेरी वी राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट द डिफेक्ट इज सो दैट इट इज ईजियर द डेवलपर इट इज असाइंड दे आर दे फील इट ईजी टू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफेक्ट इज तो इसीलिए ये सब चीजें डालनी जरूरी होती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट डिफेक्ट लाइफ साइकिल जैसे मैंने बोला था डिफेक्ट लाइफ साइकिल होता क्या ठीक है मैं एक गूगल से एक फोटो उठाता हूँ ठीक है ठीक है एक इमेज उठा लेता हूँ उस इमेज को देख करके समझा दूंगा मैं अब मुझे नहीं पता मैं रैंडमली कोई भी इमेज उठा रहा हूँ गेक और गेक से उठा रहा हूँ इमेज ठीक है ये मैंने उठा ली इमेज ठीक है यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कोशिश करता हूँ मैं अपनी बेस्ट ट्राई करता हूँ समझाने की ठीक है कोशिश करता हूँ जैसे जितना हो सके अपना बेस्ट समझाऊँ आप देखना अगर स्टिल इफ यू हैव डाउट मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी ठीक है तो फिर अभी जैसे क्या होता है आ, टेस्टर फाइंड आप डिफेक्ट देखते हो ठीक है उस न्यू न्यू स्टेटस में जाता है जैसे आप क्रिएट करते हो न्यू स्टेटस में चले जाता है ठीक है डेवलपर जो भी होता है वो एनालाइज करते हैं देखते हैं या इट इज वैलिड और नॉट इफ इट इज इन स्कोप और नॉट इफ इट इज ऑलरेडी रेस्ट और नॉट सो अगर देखो यहाँ पे एक अलग साइकिल बन जाएगा ठीक है अगर वैलिड है तो स्टेटस इफ इट इज वैलिड ठीक है अगर वैलिड नहीं है नो है मतलब अगर दिस इज नॉट अ वैलिड डिफेक्ट तो वो क्या कर देगा रिजेक्टेड स्टेटमेंट डाल देगा ठीक है तो न्यू से पहले रिव्यू करके फिर रिजेक्ट कर देंगे ठीक है अगर वो वैलिड है ही नहीं ठीक है और अगर वो स्कोप में है मतलब वैलिड तो है स्कोप में है तो डिफर्ड मतलब स्कोप में नहीं है मतलब समझ लो स्प्रिंट होता है ठीक है एक दो हफ्ते का टू वीक्स का स्प्रिंट है ठीक है उस टू वीक्स में हम या फिर टेन डेज का जो स्प्रिंट है उस प्रिंट में नहीं कर सकते तो वो डिफर्ड स्टेटमेंट डाल देगा ठीक है ये चीज शायद आपको ऐसे अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं ठीक ठीक है 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 जब 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 वो रिजेक्ट रिजेक्ट हो हो जाता है, है? तो bug, तो हो जाता इफ इट्स नॉट अ वैलिड बग तो हाँ अगर वैलिड बग नहीं है तो रिजेक्टेड स्टेट में डाल देगा डेवलपर ठीक है अगर अगर वो स्कोप में नहीं है मतलब वैलिड तो है ठीक है वैलिड है यहाँ पे देखिए ये फ्लो डायग्राम में जैसा यस वैलिड है बट उस स्कोप में नहीं मतलब इस प्रिंट में ये जो दस दिन का स्प्रिंट है इस प्रिंट में हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं ठीक है तो वो डिफर्ड स्टेट में डाल देगा ठीक तो तो so, uh, so so है कभी के क्वेश्चन है व्हाट इज डिफर्ड स्टेट इन डिफेक्ट लाइफ साइकिल ठीक है तो वहां पे बोलोगे जब व्हेन द बग इज रेस्ड सो व्हेन द बग इज रेस्ट एंड द बग इज नॉट इन स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट सो दैट इज कॉल्ड एंड द डेवलपर मूव्स इन टू डिफर्ट स्टेट दैट इज कॉल्ड एज डिफर्ड स्टेट सो इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट प्रोजेक्ट के स्कोप में बट स्प्रिंट के स्कोप में नहीं है ठीक है समझ लो ठीक है डिफर्ड तो फिर अगेन क्या कहते हैं अगर वो स्कोप में है तो ठीक है यस इट इज ऑलरेडी रेस्ट ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि समझ लो टू डिफरेंट टेस्टर काम कर रहे हैं दो क्यूए काम कर रहे हैं समझ लो अनुज uh, काम कर रहा है अगेन रैंडम ले रहा हूँ अनुज काम कर रहा है एंड रोहन काम कर रहा है ठीक है अनुज अनुज ने रेज कर दिया समझ लो कल परसों एंड रोहन ने नोटिस नहीं किया कि उसने रेज किया तो रोहन ने फिर से वही बग रेज कर दिया सेम सेम बग ठीक है तो फिर वो क्या करेंगे तो अनुज का पहले था तो अनुज का ऑलरेडी एक्सेप्टेड है तो रोहन वाला जो बग है उसको डुप्लीकेट में डाल देंगे ठीक है सो वेनवर यू आर रेजिंग बग ठीक है अगर अगर आपका जो कंपनी uh, में टास्क है वो बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड है हर एक इंडिविजुअल के लिए देन इट्स फाइन बट कभी कभी क्या होता है अगर इंडिविजुअल के लिए मतलब ओवरलैप हो जाते हैं कुछ कुछ काम ठीक है कुछ समझ लो इनको कुछ एक पाइपलाइन दे रखा है समझ लो पाइपलाइन दे रखा है बट इन इनका इनका टेबल जो है मैच होता था कुछ टेबल मैच हो जाते है तो यहाँ पे वो चेक करने के टाइम में वैलिडेशन करने के टाइम में इन रेस कर दिया और रोहन ने बाद में नोटिस किया तो फिर जब रोहन रेस कर रहे हैं ना तो जस्ट गो एंड चेक इफ दिस डिफेक्ट इज ऑलरेडी रेस्ड और नॉट ठीक है एक बार चेक कर लोगे ना तो इट विल बी गुड ऑन योर पार्ट कि मैंने चेक किया था ठीक है सो डुप्लीकेट ये चीज़ है ठीक है देखो फ्लो यहाँ पे कई मल्टीपल फ्लो पर एक फ्लो जाएगा रिजेक्ट होने वाला एक फ्लो जाएगा डिफर्ड होने वाला एक फ्लो जाएगा डुप्लीकेट होने वाला फिर अगर ये सब रिजेक्टेड डिफर्ड डुप्लीकेट नहीं है एक्सेप्टेड है पूरा तो डेवलपर स्टार्ट करता है उस कोड को फिक्स करना स्टार्ट करता है फिर स्टेटस इन प्रोग्रेस हो जाता है फिर कोड जब फिक्स हो जाती है जो कोड फिक्स हो गया फिर स्टेटस फिक्स हो जाता है बट मतलब बट फिक्स हो जाता है वो फिक्स में डाल देता तब टेस्टर वापस से लेकर के टेस्ट करता है फिर अगर पास तो क्लोज ने पास रीओपन वापस है डेवलपर फिक्स करेगा ठीक है तो ये एक फ्लो एक बार आप देख लो मैंने गिग्स फॉर गिग्स से उठा लिया ये इमेज ठीक है ये इमेज गूगल से मैंने गिक्स फॉर गिक्स से उठा लिया मैंने गूगल इमेज इसमें सर्च करके दिस इज गुड वन मैं एक्चुअली सोच रहा था पता नहीं कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा बट तो इट इज गुड वन ऐसे देखा जाए तो आप ऐसे कई फ्लो बनाओगे ऐसे न्यू हुआ न्यू से फिर क्या कहते हैं रिजेक्टेड हो गया फिर न्यू हुआ न्यू से डिफर्ड हो गया न्यू हुआ न्यू से रिजेक्टेड हो गया फिर न्यू हुआ फिर न्यू से फिक्स्ड हो गया ठीक है ऐसे कई फ्लो हो सकते हैं बट वही इस सिंगल फ्लो में यस yes, नो no की वजह से फ्लो चार्ट इतना अच्छे से बनाया है कि कई मल्टीपल फ्लोज को रोक करके एक सिंगल फ्लो में समझा दिया है ठीक है तो अगर इस डिफेक्ट लाइफ साइकिल में अगर और भी कोई क्वेश्चन है गाइज तो प्लीज कॉमेंट में जरूर पूछना एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना दूंगा वैसे दिस इज इनफ जो मैंने समझाया है आप वापस से वीडियो को देख सकते हो थोड़ा एक दो मिनट पीछे जा करके वापस से री विजिट कर सकते हो इस वीडियो को तो दैट वे आपको और से डिटेल में समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू रिपोर्ट एंड होम डू यू रिपोर्ट सो ये थोड़ा एक ऑपरेशनल क्वेश्चन हो गया जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप एक टेस्टर हैं तो सीनियर टेस्टर हैं तो सीनियर टेस्टर आप टीम लीड को रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप लीड हैं तो आप मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आपको आंसर देना है एंड वहाँ पे वो चेक करना चाहते हैं आप ये आउट तो नहीं कर रहे <laughs> ठीक है तो आपको सही से जेन्यनली बोलना है कि हाँ मैं सो तो अगर आप टेन ईयर से या एट ईयर से नीचे हो तो आप मोस्टली बोलना टीम लीड ठीक है अगर आप ऑलमोस्ट से फॉर एग्जाम्पल आप टीम लीड के पोजिशन में या टेन ईयर से ऊपर हैं तो आप मैनेजर बोल देना ठीक है मैं मैनेजर को रिपोर्ट करता हूँ एंड उसमें बोल देना कि हाँ क्या कहते हैं मोस्टली uh, uh, जैसे स्टैंड अप कॉल्स होते हैं वहाँ पे तो मैनेजर ज्वाइन नहीं करता है एंड कभी कभी ज्वाइन करता है कभी नहीं करता है तो वो होता है एंड हमारा मैनेजर के साथ वीकली वीकली कॉल होता है पूरी टीम का ऐसे बोल सकते हो अगर स्पेसिफिकली एक अलग से क्यूए टीम है अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो आप बोल सकते हो इस प्रोजेक्ट मैनेजर को इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड करते हैं बट मेरा खुद का जो मैनेजर है उसको वीकली वीकली या मंथली मंथली उनसे बात होती है तो इस तरह से कई डिफरेंट कंपनीज़ में इस तरह से हो सकता है जैसा मैंने दो तीन कंपनी के एग्जाम्पल ले करके मैं इस तरह का एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको बट तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको तो आप मेरे साथ एक टॉप मेट का सेशन बुक कर सकते हो जहाँ पे आपको मैं थोड़ा बताऊँगा कि हाउ टू आंसर इट वेल बिकॉज ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना पकड़े ये जनरल क्वेश्चन है यहाँ पे पकड़े जाने के चांसेस होते हैं अगर इफ़ यू आर यू नो लर्निंग न्यू या लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड देन स्विचिंग ठीक है ना आप स्विच करते टेक्नोलॉजी या फिर डोमेन स्विच करते हो ना तो वहाँ पे थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है तो अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को एक टॉप टॉपमेंट सेशन मेरे साथ बुक करना एंड मैं पक्का आपको सपोर्ट करूँगा ठीक है आप एक डी uh, भी कर सकते हो टॉप uh, टॉपमेंट में जा करके या फिर आप एक वाट्सअप कॉल टेन मिनट्स का कॉल भी कर शेड्यूल कर सकते हो मेरे साथ तो मैं आपको व्हाट्सएप में कॉल करके ये चीज़ छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर कर ही दूंगा वॉट आर वाट ऑल वैलिडेशन यू परफॉर्म द लैंडिंग एरिया ठीक है एक सिंपल uh, आर्किटेक्चर लेते हैं ठीक है एक इटीटेक्चर में ले लेता हूँ अगेन मैं गूगल से उठा रहा हूँ कोई भी एक इमेज एक सिंपल सा इमेज उठा लेता हूँ सिंपल एटीएलचर तो उसमें अभी क्वेश्चन है फॉर एक्साम्पल द स्टेजिंग इज अवर लैंडिंग एरिया या फिर ओडीएस जैसे मनाया था ठीक है uh, तो ओडीएस हो सकता है स्टेजिंग एरिया हो सकता है तो यहाँ इस दर आने से पहले क्या क्या आप नो uh, करोगे इधर आने से पहले तो आप क्या कहते हैं सोर्स से डेटा आ रहे हैं कि नहीं ऐसा देख चेक कर लोगे सोर्स में डेटा है कि नहीं अगर आपको सोर्स का एक्सेस देते हैं तो बेसिकली यहाँ पे बिफोर लैंडिंग एरिया नहीं है बेसिकली यहां देखा जाए तो ड्यूरिंग द लैंडिंग एरिया यहाँ पे ये 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 पार्ट ये पार्ट का वैलिडेशन कैसे करोगे इज वाट आई अंडरस्टैंड ठीक है तो इस तरह से आपको डाउट जब होता है ना जब कभी आपको डाउट होता है कि ऐसा ही क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है कि नहीं तो यू कैन गो हैड एंड आस्क ठीक है यहाँ पे जा करके यू कैन गो हैड एंड आस्क मैं बता देता मैं ये एक रेक्टेंगल लाया क्योंकि कि इतना पार्ट का टेस्टिंग इज वॉट वी हैव टू एक्सप्लेन ठीक है सो आगे का पार्ट हमें जानने की ऐसे जरूरत नहीं है ठीक है बट अभी इस क्वेश्चन के स्पेसिफिक से तो फॉर so एग्जाम्पल हम क्या करेंगे कई सोर्स से आ रहे हैं डेटा तो डेटा यहाँ पे जो स्टेजिंग एरिया इफ इट इज अ फाइल सिस्टम ठीक है इफ इट इज अ फाइल सिस्टम तो हमारे टेस्ट केसेस किस तरह होंगे कि यहाँ से जो डेटा आ रहा है तो वो करेक्ट फोल्डर में लोड हो रहा है कि नहीं ठीक है करेक्ट फाइल एक्सटेंशन से लोड हो रहा है कि नहीं डेट फॉर्मेट जो है वो सही है कि नहीं ठीक है तो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट केसेस यू कैन राइट ठीक है डेट फॉर्मेट सही है कि नहीं जो फाइल एक्सटेंशन सही है कि नहीं जो नेमिंग कन्वेंशन है ऑफ द फाइल नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द फाइल वो सही है कि नहीं ठीक है तो इस तरह से एंड मे बी मल्टीपल सोर्स है ये सोर्स वन हो गया ठीक है ये सोर्स टू हो गया ये सोर्स थ्री हो गया ठीक है तो जो सोर्स वन है उसको एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाना होगा ठीक है यहाँ पे फोल्डर वन हो सकता है ठीक है फोल्डर टू हो सकता है फोल्डर थ्री हो सकता है तो एस का फोल्डर वन में जाना चाहिए एंड एक डेट के लिए एक फोल्डर बनना चाहिए उसके अंदर फाइल स्टोर होना चाहिए फिर दूसरे डेट का फोल्डर बनना चाहिए फिर फाइल स्टोर होना चाहिए यहाँ पे ऐसा कुछ जो भी लॉजिक है अकॉर्डिंग टू बिजनेस आपका जो बिजनेस लॉजिक है उसके हिसाब से ही आपको टेस्ट केस लिखना है ठीक है यहां मैं जनरली एक बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है यू कैन टेक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है करके यू कैन टेक इट सेइंग दैट ऐसा मैं बोल रहा हूं तो यू कैन परफॉर्म बट आप अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो बी आर डी डॉक्यूमेंट वो पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में ठीक है ये तभी उसके बाद टेस्ट केस लिखेंगे यू कैन टेक मेरे जो आंसर है वो एक रेफरेंस ले सकते हो बट ऐसे नहीं कि मैं ही जो बोल रहा हूँ सब वैसे ही लिख देना ठीक है तो रेफरेंस ले सकते हो ठीक है यहाँ पे आपके फोल्डर स्ट्रक्चर बोले फोल्डर के अंदर फाइल्स डाल दिए ठीक है एंड उसके बाद आ, और भी जैसे फाइल एक्सटेंशन बोला मैंने फाइल नेमिंग कन्वेंशन बोला ठीक है ये सब चीज़ें हैं हो सकती हैं जो फाइल नेम आएगा उसमें डेटा सॉरी डेट जो है डेट एंड टाइम स्टैम्प एड हो रहा है कि नहीं वो करेक्ट से ऐड हो रहा है कि नहीं एंड से फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि थर्टी डेज में ये आर्काइव होना है तो वो थर्टी डेज का आर्काइव होना है तो आप डेवलपर को बोल सकते हो थर्टी डेज के कॉन्फिग्रेशन में मे बी थ्री आवर्स कर दो तो थ्री आवर्स के बाद वो आर्काइव हो रहा है कि नहीं ठीक है एंड मे बी नाइन्टी डेज के बाद वो पर्ज हो रहा है कि नहीं ठीक है तो ये सब बेसिक वाले जो मैं यहां मैंने बोले वो तो ठीक है फिर यहाँ पे जो आर्काइव पर्जिंग इनका भी आपको टेस्ट केस लिखना होगा एंड रन करना होगा ठीक है तो मोस्टली ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ इस तरह बनेगा आप फिर से अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो देख लीजिए आपको समझ में जरूर आएगा ठीक है एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर पूछिए एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी का ऐसे डिटेल टेस्टिंग बी टेस्टिंग बिग विग्डा टेस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूँ प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक मैंने फॉर्म का लिंक दे रखा प्लीज है प्लीज़ वो फॉर्म भरिए एंड मैं पक्का क्या कहते हैं वो कंपनी का डिटेल्स कवर करूंगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम ना लूं तो मेरे को जब आप क्वेश्चन से निकल होंगे वहाँ पे नीचे लिख देना नोट में कि डोंट शेयर माय नेम अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं सो दैट बिकॉज यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस तो मैं प्लीज uh, वो भी लिख देना कि यस यू कैन टेक माई नेम अगर ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर यस ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनी टेक्निकल इंटरव्यू में ये पक्का प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पूछा जाएगा कि कैसे आपका डेटा फ्लो है सोर्स है सोर्स क्या क्या सोर्स हैं फिर स्टेजिंग में क्या क्या है स्टेजिंग में है लैंडिंग एरिया कुछ है फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेटा वेयर हाउस है फिर उसके बाद बी है तो इस तरह से कई स्टेजेस होंगे कैसा है क्या क्या है ये सोर्स में को क्या क्या सोर्स हैं नो सीआरएम कोई सिस्टम है ईआरपी सिस्टम है कोई सोर्स फाइल्स हैं कैसे हैं स्टेजिंग में अगर क्लाउड में एडब्ल्यूएस में है तो एस्त्री बकेट में स्टोर हो रहा है अशोर है तो ब्लॉक स्टोरेज में स्टोर हो रहा है या फिर अगर ऑन ऑनप्रोमाइज है तो किसी किसी तो यूनिक्स इन्वेरमेंट में या कहीं आ, सर्वर में स्टोर हो रहा होगा स्टेजिंग एरिया या फिर स्टेजिंग टेबल्स में डाल रहे हैं तो कोई भी जो भी यहाँ पे देखो यहाँ पे जो टूल्स है टेक्नोलॉजीज है को जो भी है सॉफ्टवेयर है या सर्विस है ये उसका नाम लेना है यहाँ पे स्टेजिंग में भी जो भी है उसका नाम लेना है फिर डेटा भरा उस कहाँ डेटा लोड हो रहा है उसके बारे में डिटेल्स बताना है ठीक है बी आई, क्या यूज़ हो रहा है उसके बारे में बताना नहीं है तो मत बताइए अगर है तो बताइए एंड जैसे आप प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बताएंगे तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेंशन भी कर देना कि ये पार्ट ऑफ द टेस्टिंग आपने किया ये पार्ट ऑफ द टेस्टिंग आपने किया ये पार्ट ऑफ द टेस्टिंग आपने किया है सो दे इंटरव्यू नोज दैट यू आर गुड इनफी सब छोटे छोटे इंटरव्यू के पूरे सीरीज में बताता रहूंगा ठीक है तो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट आपको बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है एंड दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ गेम डिसाइडर कि आप ऑफर क्रैक करेंगे कि नहीं ठीक है सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ठीक so, yes, है इफ टेबल कंसिस्ट फॉलोइंग कॉलम्स एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉय नेम मैनेजर एंड डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम मैनेजर ठीक है सो ये फाइव टू डिफरेंट टेबल है डस बिलो क्वेरी वर्क डस बिलो क्वेरी वर्क्स सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई नेम मैनेजर माइनस डिपार्टमेंट आईडी मैनेजर डिपार्टमेंट नेम देखो अकॉर्डिंग टू द ये पता है एसक्यूएल चेक करने के अकॉर्डिंग टू द एसक्यूएल का लॉजिक ठीक है सपोज uh, एसक्यूएल में हम अभी माइनस लिख रहे हैं ना तो ये माइनस किस में आ जाएगा सेट ऑपरेटर्स में ठीक है अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर सेट ऑपरेटर्स के मैं जो रूल्स देखूँ ठीक है रूल्स के हिसाब से uh, क्या कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए तो यहाँ वन टू थ्री वन टू थ्री सो नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है ठीक <laughs> है Second rule क्या है रूल क्या द कॉलम डेटा टाइप ठीक है कॉलम के जो डेटा टाइप हैं डेटा टाइप ठीक है कॉलम का डेटा टाइप एम्प्लॉय आई डी शायद नंबर इंटीजर होगा डिपार्टमेंट आई डी नंबर इंटीजर होगा वेरी गुड करेक्ट एम्प्लॉय नेम है वो शायद स्ट्रिंग टाइप होगा या फिर वेर uh, कैर हो सकता है मैनेजर मैनेजर नंबर है कि ये मैनेजर नेम अभी यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आप पूछ सकते हो क्वेश्चन में ठीक है ये एम्प्लॉय नेम है एंड ये मैनेजर नेम है देन देन इट इज इज दिस ओके यहाँ पे कॉलम अगर मैनेजर आई डी या, या कुछ है तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा एंड दैट विल कॉज द माइनस क्वेरी टू बेसिकली फेल ठीक है फिर इसके बाद मैनेजर यहाँ पे मैनेजर है या डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ मैनेजर आई डी है डिपार्टमेंट नेम है अगेन यहाँ पे शायद अगर ये मैनेजर आईडी में कंसीडर कर रहा हूँ ठीक है मैनेजर मैनेजर आईडी कंसीडर कर रहा हूँ ये फिर अगेन इंटीजर टाइप हो गया ये एक क्वेर कार्य टाइप हो गया तो यहाँ पे भी फेल हो जाएगा ये दोनों कॉलम में फेल हो जाएगा ठीक है बट वैसे देखा जाए तो एम्प्लॉय आई आई डिपार्टमेंट आई डी दोनों इंटीजर है ठीक है सिर्फर एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय आई डी है एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है ठीक है तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ डिपार्टमेंट आई डी लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम की जगह मैनेजर नेम कर देता हूँ डिपार्टमेंट नंबर के जगह अगेन डिपार्टमेंट नंबर के जगह डिपार्टमेंट नंबर ही रखता हूँ यार में ठीक है तीन कॉलम दो कॉलम में भी हो सकता था तो देखो एम्प्लॉय आई डी डिपार्टमेंट आई दोनों इंटीजर टाइप है ठीक है चल जाएगा एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर नेम दोनों ये है डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नंबर दोनों सेम टाइप है तो एक्चुअली तो चल जाएगा बट आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा ठीक है सब दस जस कीप इट क्लियर दैट आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि एम्प्लॉय आई डी डिपार्टमेंट आई दोनों अलग है यार शायद एम्प्लॉय आई डी में कुछ अगर होगा डिपार्टमेंट आई जैसा तो चल भी जाए बट यहाँ पे फिर एम्प्लॉय नेम मैनेजर नेम शायद हाँ सेम सेम भी हो सकता है तो माइनस हो भी जाए तो हाँ बट ये हो जाएगा एम्प्लॉय आई डी सो माइनस है ना सॉरी यहाँ से एम्प्लॉय आई डी से ये पूरा माइनस करेगा तो यहाँ पे तो कुछ मैच होगा ही नहीं तो ऐसे देखा जाए तो ये पूरा डेटा आएगा क्वेरी वन का पूरा डेटा आएगा बेसिकली ठीक <laughs> है कभी कभी ऐसे ट्रिक कर देते हैं अरे डिपार्टमेंट का ही ऐसे कर रहे हो तो यू कैन से कि आई नो यू आर ट्राइंग टू डू एम्प्लॉय आई डी वर्सेज डिपार्टमेंट आई डी विच इज़ लॉजिकली डि भी एक्चुअली तो एसा, एसा situation में, uh, set operator minus query काम कर जाएगा सेट ऑपरेटर्स में दोनों जो कॉलम्स हैं ठीक है कॉलम्स के डेटा टाइप सेम होने चाहिए ठीक uh, है uh, चाहिए, ये दो पैरामीटर है थर्ड जो है बेसिकली इज दीक्वेंसक्वेंस ठीक है तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आई है यहाँ पे सिर्फ हम ऐसा नहीं कर सकते बिलो क्वेरी सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ द कॉलम नेम शुड बी द सेम ठीक है, मतलब है, है sequence. Sequence the, uh, same, आप ऊपर कुछ भी कॉलम नेम चार पांच ले लिए फिर उसके ऊपर नीचे वाला कॉलम जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हो <laughs> काम नहीं करेगा ठीक है दीज आर थ्री मेन रूल्स बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेरी सेम टाइप ऑफ कॉलम कन्जिकुड भी द सेम एंड ऑल्सो बेसिकली मैपिंग होता है तो फर्स्ट क्वेरी एंड सेकंड क्वेरी वो दोनों भी सेम होने चाहिए ऐसे नहीं कि आप वन टू थ्री फोर फाइव कर रहे हो यहाँ पे वन फाइव फोर थ्री टू ऐसे करके कर रहे हो तो गड़बड़ करोगे ऐसा सेट ऑपरेटर का हम नहीं करेगा ठीक है तो इसीलिए आप लोग ध्यान देना ये सेट ऑपरेशन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आप ये क्वे, क्वेरीज जो है क्वेश्चन इस तरह के टेक्निकल थोड़ा लॉजिकल थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में ठीक है आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी इसे क्वेश्चन में नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेरी है आ, इफ आ, फर्स्ट क्वेरी हैज एम्प्लॉय आई डी वन जीरो वन वन जीरो टू वन जो थ्री उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं हर समय कनेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं एंड सेकंड क्वेरी डिपार्टमेंट आई डी वाट इज रिजल्ट ऑफ द बिलो क्वेरी सेलेक्ट एम्प्लॉय आडी सेलेक्ट डिपार्टमेंट देखा मैंने बोला था ना पिछली क्वेरी में ही मैंने पूछ लिया था देखो तो यहाँ पे क्या होगा डिपार्टमेंट आई डी की अगर वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री कुछ हैं तो वो माइनस हो जाएंगे से फॉर एग्जाम्पल केस अगर एम्प्लॉय आई डी कुछ ऐसे हैं फोर डिजिट हैं या फाइव डिजिटल एम्प्लॉय आई डी बोल रहा ना वन जीरो वन तो ऐसे एम्प्लॉय आई डी तो एम्प्लॉय आई डी समझ लो वन जीरो वन है वन जीरो टू है वन जीरो थ्री है ठीक so, है डिपार्टमेंट आई डी वॉट इज द रिजल्ट सो अगर डिपार्टमेंट आई डी डिपार्टमेंट आई डी से टेन ट्वेंटी थर्टी ऐसे हैं दिस इज डिपार्टमेंट दिस इज एम्प्लॉय आई डी ठीक है तो इस तरह से हैं ये वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री इस तरह से हैं तो फिर क्या होगा कुछ भी माइनस नहीं होगा पूरा एम्प्लॉय आई डी का डेटा आ जाएगा बिकॉज उस अपर क्वेरी क्या है एम्प्लॉय आई डी है ठीक है तो पूरा एम्प्लॉय आई डी का डाटा पूरा आ जाएगा एंड डिपार्टमेंट से कुछ माइनस ही नहीं होगा बट अगर डिपार्टमेंट आई डी ऐसा वन जीरो वन कुछ है मतलब ऐसा वन जीरो वन अगेन वन जीरो टू ऐसे कुछ आते हैं डिपार्टमेंट आई डी में भी तो वो डेटा यहाँ से ऐसे कट मतलब माइनस हो जाएंगे फिर जो डिपार्टमेंट आई डी में नहीं है एंड एम्प्लॉय आई डी में है वो प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो बोथ द सिनेरियो आप एक्सप्लेन करोगे तो, तो दैट विल शो एक्चुअली हाउ नॉलेजेबल यू आर सो आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो तो इट्स नॉट दैट कि अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते प्लीज गो क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन पूछो डाउट्स क्लियर करो देन यू विल बी एबल टू आंसर इट वेल राइट क्वेरी टू डिस्प्ले विच एम्प्लॉय वर्किंग अंडर विच मैनेजर ठीक है विच एम्प्लॉय इज वर्किंग अंडर विच मैनेजर से फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है ठीक है एम्प्लॉय आई डी हो सकता है एम्प्लॉय नेम हो सकता है ठीक है फिर मैनेजर आईडी हो सकता तो तो यहाँ पे इस केस में क्या करोगे मैनेजर का नाम तो है नहीं ठीक है आपको बट वो क्या बोल रहा है मैनेजर का नाम प्रिंट करो तो इस केस में क्या होगा सेल्फ जॉइन लगेगा ठीक है सेल्फ जॉइन लगेगा यहाँ पे सेल्फ जॉइन लगा करके आप ये क्वेरी रन कर सकते हो ठीक है सेल्फ जॉइन है उसका वीडियो शायद मैंने बना रखे हैं मेरे SQL का प्लेलिस्ट में चेक कर लेना एंड uh, देखते हैं मैं कोशिश करता हूं uh, ल्प ज्वाइन का एक वीडियो बना दूंगा अलग से ठीक है ज्वाइंट्स अलग से वीडियो बना दूंगा प्लीज अगर आपको जॉइंट्स वीडियोस चाहिए ऐसे एग्जांपल के साथ सॉल्व करके क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना ठीक है ज्वाइंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ हैश टैग जॉइंट करके लिखना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये क्वेरी मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ठीक है अलग से इसका वीडियो बनाएंगे बट बन हाँ यहाँ पे सिंस मैनेजर आईडी है तो देखिए मैं लॉजिक समझा देता हूँ ठीक है तो जो मैनेजर आईडी है मैनेजर आई डी इज ऑल्सो एम्प्लॉय राइट ठीक है समझ रहे हो तो यहां पे समझ लो एग्जाम्पल वन जीरो वन है एम्प्लॉय नेम एक्स लेते हैं राम ले लेते हैं चलो राम एम्प्लॉय आई डी वन जीरो यहाँ पे लिया 101 यहाँ पे वन जीरो टू वन 102 103 राम राम बलराम वन जीरो गोवर्धन ठीक है कृष्णा ठीक है एग्जाम्पल है नाम बट अच्छा है ना भगवान के नाम ये ले रहे तो यहाँ पे वन जीरो वन से फॉर एग्जाम्पल राम का मैनेजर है राम का मैनेजर है कृष्णा ठीक है वन जीरो फाइव है यहाँ पे वन जीरो टू शाम शाम का मैनेजर से फॉर एग्ज़ाम्पल राम ही लिख लेते हैं वन जीरो वन तो वन ज़ीरो थ्री है बलराम ठीक है वन ज़ीरो थ्री बलराम इसका मैनेजर भी हम कृष्णा दे देते हैं ठीक है वन ज़ीरो फोर धन है अगेन इसका मैनेजर भी वन जीरो फाइव कृष्णा दे देता हैं वन जीरो फाइव का मैनेजर को तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में आउटपुट क्या चाहिए यहाँ पे एम जी आर नेम चाहिए ठीक है वन जीरो वन राम वन जीरो फाइव यहाँ पे हमें कृष्णा चाहिए ठीक है वन जीरो फाइव कृष्णा तो देखिए ये जो वन जीरो फाइव है ये है एक्चुअल में ठीक है वन जीरो वन राम है ठीक है यहाँ पे राम आना चाहिए तो इस तरह से हमारी डेटा आना चाहिए ठीक है एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय नेम मैनेजर मैनेजर नेम आना चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करोगे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल क्या करोगे यहाँ पे इस तरह का देखो ऑलरेडी मैं समझा दिया देखो एग्जाम्पल देखे मैंने समझा दिया तो इस तरह का आप मैपिंग करके इस तरह से आप एक सेल्फ ज्वाइन लिखोगे जस्ट कंसिडर सेल्फ ज्वाइन एस एडिंग से फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है आपका एम्प्लॉय टेबल है इस एम्प्लॉय टेबल को दो बार एलियास नेम बनाओ एंड दो बार एलियास नेम लेकर इस के इसके ऊपर सेल्फ ज्वाइन करो ठीक है समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ हैश टैग जॉइंट्स लिखो मैं एक ज्वाइंट्स का फुल वीडियो बनाऊंगा उस पर सेल्फ ज्वाइंट एक्सप्लेन कर दूंगा प्रैक्टिकली ठीक है जो तो भी डाउट्स है गए वो पक्का कॉमेंट्स में करो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कॉमेंट्स को आंसर करने की एंड अलग से कॉमेंट्स का वीडियो भी बना दूंगा बट अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक कंपनी का मैं ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चन लूँ प्लीज डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक लिंक है अनोनोमस रहेगा चीजें ठीक है अगर आप चाहते हैं आपका नाम तो नोट में लिख देना यस यू कैन टेक माई नेम अगर आप नहीं चाहते आपनेशन नहीं करोगे तो मैं नहीं आपका नाम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ वर्किंग इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो इसको दो क्वेरी लिख सकते हो आप सिंपल है ठीक है दो क्वेरी लिखोगे आप सिंपल टाइप कर दू यहाँ पे दो क्वेरी लिख सकते हो आप सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार या फिर काउंट काउंट ऑफ ऑफ स्टार या जो भी है फ्रॉम ई एम बी एफ ए जो भी आपका टेबल है वेथ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ठीक है वेथ डिपार्टमेंट इक्वल टू जो भी आपका नंबर है टेन ट्वेंटी जो भी नंबर है आपका ठीक है वो लिख दो सिंपल है ठीक है ऐसे बस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का चाहते हो तो इस तरह से आ जाएगा ठीक है थीके? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बट अगर वो बोलेंगे सब डिपार्टमेंट का चाहिए तो फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऐसे काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम टेबल यहाँ पे लगा दोगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लगा दोगे डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट रेडी जो भी है ना प्रॉब्लम क्या, क्या होगा यहाँ पे देखो आपको पता नहीं चलेगा कौन से डिपार्टमेंट में कितना है तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नंबर या फिर डिपार्टमेंट रेडी जो भी है वो कॉलम लगा सकते हो तो डिपार्टमेंट नंबर एंड काउंट होगा बट मोस्टली द क्वेश्चन पूछा गया इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो ये पूछा गया इस क्वेश्चन को आंसर करने का ठीक है आप क्वेश्चन यही आंसर करना तो वो बुल, वो मेन क्वेश्चन रहेगा कि आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ कैसे लगा सकते हो तो योर लिमिट ये सब चीजें एक साथ भी यूज कर सकते हो ठीक है ये चीज आपका नॉलेज होगा ना तो दैट विल बी ईजियर टू आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते वॉट आर दैलिडेशन यू टू ठीक है

डिफरेंट दैन वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट बेसिकली ठीक है वाट इज ये यू डू ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे अभी तो सोर्स फाइज गलत आ चुका है ना तो जैसे आप बोल सकते हो कि पहले मैंने जैसे बोला था यहाँ पे फाइल जो आ रही हैं वो उनका क्या कहते हैं फाइल नेम ने कन्वेंशन उसमें डेट एड हो रहा है कि नहीं है ना जो फाइल फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं ये सब चीज़ें आप चेक करेंगे एंड ऑल्सो सोर्स में जाके चेक करेंगे कॉलम नेम्स यहाँ पे सोर्स यहाँ टारगेट में जो है मतलब यहाँ पे स्टेजिंग में स्टेजिंग में यहां पे जो कॉलम हेडर्स आए हैं कि नहीं जो तो डेटा है काउंट टोटल नंबर ऑफ काउंट ठीक है काउंट चेक करोगे आप सबसे पहले यहां करोगे गुड वेरी गुड तो यहां पे फिर चेक कर लोगे जो डेटा है डेटा इसका और डेटा मैच करके देखोगे यहाँ पे या तो एम फाइल आया होगा या जंक फाइल आया होगा या कुछ जंक डेटा आया होगा तो ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी यहां तो इसीलिए वो लोग बोले द फाइल इज डिफरेंट तो यहाँ पे क्या करोगे अगर वॉट आर द वैलिडेशन तो वैलिडेशन से मैंने बोल दिया फिर एक वैसे एक्चुअल एक्शन स्टेप क्या होगा आपका एक्शन होगा कि आप जाके बग रेस करोगे ठीक है बग या फिर डिफेक्ट जो भी आप बोलना चाहो जाके बग रेस करोगे एंड डेवलपर को असाइन करोगे ठीक है दिस शुड बी योर एक्शन आइटम एट द एंड बोलना ही है ठीक है एंड बट हाँ आपने क्या क्या वैलिडेशन परफॉर्म करोगे पहले यहाँ चेक करोगे फाइल नेम क्या है फाइल एक्सटेंशन क्या है फाइल नेमिंग कन्वेंशन क्या है फाइल का फॉर्मेट क्या है ठीक है ये सब चीज आप पहले चेक करोगे फिर उसके बाद काउंट चेक करोगे यहां पे काउंट सीओ यू एन टी काउंट यहां पे भी काउंट ठीक है अगर आपका काउंट यहां डायरेक्ट क्वेरी नहीं लिख पा रहे हो तो जाके डेटा रिकॉर्ड देखोगे ठीक है यूनिक्स के भी जैसे यूनिक्स कमांड होता है डब्ल्यू सी होता है ना डब्ल्यू सी हाईफन एल ठीक है अगर दोनों यूनि सर्वर में डब्ल्यू सी हाईफन एल तो ठीक है ये चेक करोगे वर्ड काउंट लाइन टोटल लाइन हाइफन एल डब्ल्यू सी फंडल यहाँ पे कितने लाइन है यहाँ पे कितने है कम से कम, -कम पता चलेगा ना टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड सही है कि नहीं ठीक है तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे ठीक है ये सब वैलिडेशन देख सकते हो एंड uh, पता नहीं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन से भी हो सकता है तो अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप क्लिट क्लियर से और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उस सिचुएशन रिलेटेड तो सिचुएशनल क्वेश्चन जो होते हैं ना मैं यहाँ पे कई चीजें अज्यूम कर रहा हूँ तो वो जो अज्यूम कर रहा हूँ वो मैं पूछूंगा इंटरव्यूअर से ऐसे नहीं अपने एजम्पन से जाऊंगे या फिर अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो आप बोलोगे कि दिस इज द डेटा दैट यू आर लोडिंग इन टू यूजर्स ठीक है मेरा एक एक पिछले पुराना एक, आ, आ, क्या कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है ठीक है ये वाला जो वीडियो है इटीएल टेस्टिंग आर्किटेक्चर रिसेंट वाला वीडियो है वीडियो में जाना यहाँ पे आ, ये रह, टेस्टिंग और नहीं ये नहीं ये रहा टेस्टिंग ये इसमें मैंने पूरा इटेल टेस्टिंग आर्किटेक्चर समझा रखे तो यहाँ पे इस वाले वीडियो को पक्का देखना अच्छे से ये वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन के पूरे आंसर मिल जाएंगे आपको ठीक है ठीक है और क्या करते हैं कौन यूज करता है इसको यूजर्स यूजर्स तो बिजनेस 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 यूजर्स जो होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं ठीक है जो डिसीजन लेते हैं कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं वो लोग होते हैं जो तो इस डेटा को यूज करते हैं ठीक है या फिर बोल सकते हो बेसिकली अभी के टाइम में एक्चुअली तो यूजर्स हैं बट एक्चुअल में कौन यूज करेगा बी आई डेवलपर यूज करेंगे बी आई डेवलपर जो है डैशबोर्ड बनाएंगे उस डैशबोर्ड को यूजर यूज करेंगे तो आंसर इज बेसिकली पहले बी आई डेवलपर यूज करेंगे बी आई डेवलपर यूज करके उस पर डैशबोर्ड बनाएंगे जो डैशबोर्ड बनाएंगे वो डैशबोर्ड विल बी यूज बाय द यूजर्स एंड द बिजनेस पीपल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस ठीक है तो इस तरह से आंसर करना आपको so किसी भी फेज में आपको डाउट हो तो प्लीज पूछना मेरे को ठीक है कमेंट्स में जरूर पूछना आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट्स अगर मैं कमेंट में आंसर नहीं करता एक स्पेसिफिक वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग में ही आपके आंसर्स बता दूंगा मैं जनरेट द रिपोर्ट देखिए यहाँ पे दो दो चीज हो सकते हैं आप पूछ सकते हो कि रिपोर्ट हो सकता है जैसे कि बी रिपोर्ट हो सकता है या फिर टेस्ट एग्जीक्यूशन या टेस्ट समरी ठीक है या फिर टेस्ट एग्जीक्यूशन ऐसा कुछ रिपोर्ट है तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है आप पूछ लेना कभी भी अगर बी आई रिपोर्ट है तो आप बी आई डेवलपर जो है रिपोर्ट बनाते हैं बट यहाँ जनरेट से लग रहा है मुझे टेस्ट समरी या टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट हो सकता है तो वो बोल सकते हो आप टीम लीड बनाता है अगर आप खुद आठ दस साल से एक्सपीरियंस हो तो आप बोल सकते हैं मैं भी खुद जनरेट करता हूँ जीरा में हमारा एक डैशबोर्ड है जिसमें हम पूरा एग्जीक्यूशन समरी एक पाई चार्ट डोनट चार्ट में बताते हैं उसमें ग्राफ में बताते हैं कितना एग्जीक्यूशन हो रखा है कितने बग्स हैं कितने डिफेक्ट्स हैं ये सब हैं ये पूरा एक समरी दे देता है एंड अगर आप क्या कहते हैं जीरा यूज नहीं करते हैं, तो आप मैनुअली भी ट्रैक करते हैं क्योंकि आपको मंथली ऐसा कुछ रिपोर्ट देना पड़ता है या स्टेटस देना पड़ता है ऐसा कुछ भाई तो या फिर आप बोल सकते हो कि टीम लीड जनरेट्स द रिपोर्ट मैं नहीं करता अगर आप थोड़ा कम एक्सपीरियंस है आठ साल से कम एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप आंसर करना है मोस्टली आंसर टेस्ट समरी के ऊपर ही है जनरेट्स द रिपोर्ट है ना तो वी का नहीं आएगा क्योंकि आपके फ्लो में ना आपके जो इंटरव्यू का फ्लो है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मैं थोड़ा अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये इंटरव्यू मैंने बहुत पहले दी मुझे याद नहीं एकदम एग्जैक्टली डू यू हैव एनी रोल इन रिपोर्ट जनरेटिंग प्रोसेस तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि लास्ट में कैसे क्या कहते हैं जो टेस्ट एग्जीक्यूशन वो तो आप बोल सकते हो कि हाँ टीम लीड करता है बट वहाँ पे मैं कम से कम जितने डिफेक्ट्स हैं ठीक है जो डिफेक्ट्स हैं वो फिक्सड हैं कि नहीं एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड बाई द टीम तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस क्रिएटेड एंड एक्जीक्यूटेड ऐसा रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें मैं ये आ, डेटा एक्सेल में डाल देता हूँ या फिर जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड को मैंने बनाया था तो हम रिसेंट टाइम वो यूज़ कर रहे हैं ऐसा कुछ जो भी है आप बोल सकते हो ठीक है आप जितना कॉन्फिडेंट फील करते हो उस हिसाब से बोलिए अगर आपने जीरा में काम नहीं किया तो जीरा के बारे में मत बोलिए अगर आपने एक्सेल में काम किया एक्सेल में बोलिए तो जो आपने काम किया वही बोलिए वाट इज़ यर टीम स्ट्रक्चर टीम स्ट्रक्चर यहाँ से मैंशन है कि कितने डेवलपर हैं कितने टेस्टर या फिर क्यू ए हैं इस डेवलपर में आप बोल सकते हो डेटा इंजीनियर्स कितने हैं बी आई डेवलपर कितने हैं फिर स्क्रम मास्टर है कि नहीं फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है प्रोजेक्ट ओनर है क्लाइंट से कोई ज्वाइन करता है तो ऐसे करके आप बोल सकते हो कि ये पूरा मेरा टीम है और बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकता है तो ये ये पूरा टीम है कितने लोग हैं कितना डेटा इंजीनियर्स हैं कितना क्यों ए हैं तो ये एक आपको आपकी प्रोजेक्ट के बारे में ये बनाना टीम स्ट्रक्चर बता सकते हो ठीक है तो इस तरह से एंड फिर थोड़ा क्यू स्पेसिफिक भी चले जाना है यहाँ पे क्यू स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे क्यू में एक टीम लीड है उसके नीचे तीन बी आई टेस्टर्स हैं तीन आ, नो डेटा टेस्टर्स हैं तो इस तरह से आप बता सकते हो चीज़ें ठीक है अगर आप बताना चाहते हो थोड़ा डिटेल में नहीं तो आप बोल सकते हो कि हम लोग एंड एंटेंट करते हैं तो मैं बी में भी काम कर लेता हूँ डेटा टेस्टिंग में भी काम कर लेता हूँ पाइपलाइन भी टेस्टिंग कर लेता हूँ ऐसे बोल सकते हो ठीक है तो वो चीज़ आप अपने डायनेमिक्स के साथ कर सकते हो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को पूछ सकते हो एंड कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे ऑब्वियसली यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकता तो आप मेरे को पर्सनली वो चीजें भी पूछ सकते हो आप एक uh, टॉप मिनट का सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ ठीक है इफ यू रिसीव द डेटा एट द सोर्स विच हैविंग मोबाइल नंबर ऑफ एट और सेवन डिजिट्स एंड लोडेड इन टू टारगेट वॉट आर द वेडेशन यू डू टू रेक्टिफाई द इशू ठीक है अब रेक्टिफाई तो हम करेंगे नहीं दैट इज ठीक है बट वैलिडेशन uh, क्या, क्या क्या करेंगे तो तो यहाँ पे अगर बी आर डी चेक करेंगे ठीक है पहली बात तो बी आर डी चेक करो व्हाट शुड बी द लेंथ ठीक है अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो टेन होना चाहिए मे बी यू एस का कुछ हो तो आठ ऐसा कुछ है तो यहाँ पे सात आठ ऐसा हो चुके हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंडिया का ही चेक कर ले दस होने चाहिए और आठ और सात के भी एड हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर काउंट कर लूंगा ठीक है काउंट कर लूंगा टोटल काउंट स्टार्ट कर लूंगा एंड चेक कर लूंगा कि सात एंड आठ कित किस में है ठीक है टोटल नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड कितने सौ में से जो सात हैं सात है, 7 है, 10 है जो आठ कैरेक्टर्स वाले हैं वो क्या कहते हैं वो हो सकते हैं मे बी पांच हो सकते हैं तो ऐसे पंद्रह जो है पंद्रह डेटा जो है वो इशू है तो इस ये जो पंद्रह है इस पंद्रह के आप क्या निकाल सकते हो प्राइमरी की जो है ठीक है इस पंद्रह के प्राइमरी की निकाल करके आप डिफेक्ट्स में दे सकते हो एंड यू कैन रेज अ डिफेक्ट या बग रेज कर सकते हो वहाँ पे डिटेल बता सकते हो कि ये पंद्रह रिकॉर्ड जो है इसमें प्रॉब्लम है एंड ये सोर्स से फिक्स करना पड़ेगा ठीक है ये सोर्स से फिक्स करना पड़ेगा तो इस केस में आप बग रेज कर सकते हो डेवलपर इंटरेक्ट कर लेगा सोर्स टीम के साथ या फिर आपका एक्सेस है सोर्स टीम के साथ आप सोर्स टीम के साथ बात करके बोल सकते हो कि दिस इज द इशू इन द सोर्स एंड द मोबाइल नंबर हैज सेवन एंड एट ऑफ रिकॉर्ड तो या फिर आप जो सोर्स टीम है उनका अगर जीरा का प्रोजेक्ट है वहां पे जाकर के अग्रेस करके उन पे उनके नाम पे असाइन कर सकते हो तो ये आर सम ऑफ द स्टेप्स कई डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरह से होते हैं कभी कभी आप अग्रेस करते हो डेवलपर काम करता है कभी कभी आपकी हुए ही जो सोर्स टीम है उनके साथ काम करना पड़ता है कभी कभी क्लाइंट देख लेता है तो कभी कभी मत पक्षी हमारे सामने नहीं रहती कभी कभी रहती है तो इस तरह से बट सिचुएशनल होते हैं प्रोजेक्ट कंपनी इन तरह से चीजें डिफरेंट हो सकती हैं रेक्टिफाई हम करेंगे नहीं बट हाँ काम कर सकते हैं टीम के साथ बात कर सकते हैं बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है ठीक है अगेन वहां पे आप जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो आस्किंग मोर डाउट्स आस्किंग मोर क्वेश्चंस ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं एज पर माय रिक्वायरमेंट आई हैव लोडेड द डेटा इनटू टारगेट एज फर्स्ट नेम अलोंग विद लास्ट नेम विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट सोर्स टेबल कॉलम्स वट आर द वैलिडेशन यू डू कन्फर्म दर रिक्वायरमेंट ये तो यहाँ कहना चाह रहे हैं ये एक टेबल है समझ लो ठीक है दो डिफरेंट टेबल है समझ लो एक टेबल ये है एंड एक टेबल ये है so, टेबल वन टेबल टू यहाँ पे फर्स्ट नेम है ठीक है यहाँ पे सेकेंड नेम या लास्ट नेम है ठीक है एंड यहाँ टारगेट का जो डेटा वेरा उसका टेबल है डेटा वेयर हाउस का टेबल है यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है या मिला करके फुल नेम फुल नेम है ठीक है तो यहाँ पे देखो एक्सक्यूल के ट्रिक की बात हो रही है यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप क्या करोगे ये मैं बता देता हूँ देखो टेबल वन एंड टेबल टू इसको ज्वाइन करोगे ठीक है क्वेरी लिखोगे एंड टेबल थ्री का जो डेटा है इसके साथ माइनस यहाँ पे क्या करोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को करके कॉन्टैक्ट यूज करके फर्स्ट नेम यहां उठा सकते हो सेकेंड नेम लास्ट नेम यहां उठा सकते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो फिर माइनस कर दोगे फुल नेम ऑफ डेटा वेयर हाउस ठीक है ये क्वेश्चन अगर चाहते हो कि मैं स्केल में सॉल्व करूं प्लीज मेरे को ये करना कि एस्केल का जो क्वेश्चन है वो एस्केल प्रैक्टिकली करके बताओ ठीक है तो मतलब यहां पर मैंने बता दिया है कि ठीक है यहां टेबल वन टेबल टू से आप ले लो लोगे इन दोनों को ज्वाइन करोगे फिर माइनस क्वेरी लिख के फुल फुल नेम जो है डेटा वेयर हाउस का यहाँ पे ऐसे कर दोगे आप ठीक है सिंपली ये टेबल आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो नहीं है तो क्या कहते हैं आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कॉमेंट में जो बताना अगर चाहते हो कि मैं ये सॉल्व करूँ ये क्वेश्चन तो फिर मेरे को कमेंट में बताना मैं ये पक्का सॉल्व करूँगा क्वेश्चन ठीक है thank you for watching this video guys if you want me to solve any other questions which you have so please comments mein mere ko zarur batana and comments mein wo question pooch sakna doubt hai to kuch pooch lena and if uh, you want me to uh, answer uh, for a particular company kisi particular company ka detail testing ke questions hai big data testing ke questions hai तो please आप description में एक form का link है Google form का link है उसको जाइए भरिए and अगर questions अच्छे लगे आप आपका डिटेल्स भी मैं लूंगा उसमें अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूँ तो प्लीज़ नोट में मैंशन कर देना कि यू यस यू आर यू अग्री टू दैट आई कैन आई कैन टेक योर नेम यस आई यू कैन टेक माई नेम ऐसे करके मैंशन कर देना अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे मैंशन कर देना एट द एंड मैंशन कर देना कि डोंट टेक माई नेम करके ठीक है अनोनोमस आप चाहते हैं अनोनमस रहेगा नहीं है तो आप चाहते हैं मैं आपका नाम ले लूंगा तो ठीक है आपकी मर्जी है बट डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए मैं बनाऊँ वीडियो तो प्लीज़ उसके क्वेश्चन सेंड जरूर करना मेरे पास बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हैं तो जो जो इन कंपनीज के इंटरव्यूज देते हैं मेरे पास ऑलरेडी प्लैंड हैं चार पांच कंपनी के वीडियोज़ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड एडिट हो रहे हैं आएंगे पूरा प्लेलिस्ट आएगा पूरा सीरीज आएगा अगर स्पेसिफिक कंपनी का आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को मैंशन कर देना हम पक्का उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ठीक है ओके सू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज चेकआउट माई ई टेल टेस्टिंग ऑटोमेशन कोर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेरा वेबसाइट का लिंक दिखा रहा है वेबसाइट में जाइए जल्दी से दिवाली का ऑफर है प्लीज दिवाली का ऑफर का फायदा उठाइए जल्दी जल्दी खरीद लीजिए उसमें बहुत सारी डिटेल में चीजें हैं सिलेबस को चेकआउट कर लेना एंड एक प्रीवियस वीडियो है मैंने बनाया था डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस वीडियो को भी देख लेना क्या क्या कवर कर रहा है उस वीडियो में पता चल जाएगा ठीक है थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग थैंक यू फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट दैट यू आर शोइंग मी बाय बाय सी इन द नेक्स्ट वीडियो